चार धाम यात्रा क्लोजिंग डेट 2022। आज मैं आपको चारों धाम की क्लोजिंग डेट का अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि अब वो अपडेट आ चुका है जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चार धाम की यात्रा चल रही है, अब अक्टूबर का महीना चल रहा है और अब क्लोजिंग का टाइम आ चुका है। तो देखिए, मैंने केदारनाथ धाम की क्लोजिंग डेट तो मैंने पहले ही अपने कई वीडियो में बता रखी है, और मैंने ये भी बता रखा है कि जो केदारनाथ धाम के कपाट होते हैं वो भाई दूज को बंद होते हैं। तो फिलहाल देखिए, मैं भाई दूज 2022 मैंने सर्च किया तो इसने मुझे 26 अक्टूबर दिखाया। आपके कैलेंडर में भी जो भाई दूज होगा वो 26 अक्टूबर का ही होगा, लेकिन केदारनाथ धाम की जो कपाट है 27 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को आपकी गोल्डन पूजा भी जो 25 अक्टूबर है उसमें सूर्य ग्रहण है, जिसकी वजह से जो भाई दूज का त्यौहार है लेट आएगा और उसकी वजह से जो केदारनाथ धाम जी के कपाट है वो 27 अक्टूबर में बंद हो रहे हैं। तो देखिए, इसका अपडेट आ चुका है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस स्टेट को कौन कौन से कपाट बंद होंगे। यहाँ जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, और उसके साथ ही मैं आपको मठ महेश्वर के मंदिर कपाट बंद होने की डेट भी बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ तुंगनाथ के कपाट बंद होने की डेट भी बताने वाला हूँ, क्योंकि इन जगह भी लोग जाते हैं और उनको इस जगह का भी डेट पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यमुनोत्री धाम की बात करूँगा। तो यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो रहे हैं 27 अक्टूबर 2022 को, यानी अभी 2022 चल रहा है और यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। और ये जो 27 अक्टूबर है, इस दिन भैया दूज मनाई जा रही है, इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगा। इसके बाद बात आती है गंगोत्री धाम की, जिसके कपाट बंद हो रहे हैं 26 अक्टूबर, यानी जस्ट इससे एक दिन पहले 26 अक्टूबर जिस दिन अन्नकूट होता है उस दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम केदारनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि 26 को बंद होंगे, लेकिन मैंने भाई दूज के हिसाब से बताया था। अब इन सब पंडितों ने पूरा शुभ मुहूर्त निकाला है तो उसके अकॉर्डिंग 27 को ये कपाट बंद कर रहे हैं, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। इसके बाद है बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम जी के कपाट बंद हो रहे हैं 19 नवंबर को, यानी 19/11/2022 को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। अगर मान लिया आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप 19/11 तक कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा मठ महेश की, जिनके कपाट बंद हो रहे हैं 18/11/2022 में। अब बात करते हैं हम तुंगनाथ जी की। तुंगनाथ जी के कपाट बंद हो रहे हैं 7/11/2022 में। अब की बारी जो तुंगनाथ जी के कपाट है काफ़ी लेट बंद हो रहे हैं, वरना केदारनाथ जी से पहले तुंगनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ऑफिशियली न्यूज़ दिखा देता हूँ, जो कि अभी न्यूज़पेपर में तो नहीं आई है लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अमर उजाला की वेबसाइट पर दिखाऊंगा और देन एक और वेबसाइट पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने ये अमर उजाला की वेबसाइट खोल रखी है। चारधाम यात्रा 2022 विजयदशमी के मौके पर घोषित हुई शीतकालीन के चारधाम कपाटों के बंद होने की तिथि। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ, इसमें मैं आपको फिलहाल डेट दिखा देता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय चरम पर है, वहीं चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर शुभ मुहूर्त में बंद होंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट के पर्व पर शीत काल के लिए 12:01 पर बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को भाई दूज के पावन पर्व पर 12:09 पर सर्वसिद्ध योग और अभिजीत मुहूर्त में बंद होंगे। इसके बाद देखिए, उधर केदारनाथ धाम के कपाट भी भाई दूज के पावन पर्व पर 27 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। तीर्थ पुरोहित का कहना है कि भैया दूज की तिथि 26 अक्टूबर शाम से शुरू होकर 27 अक्टूबर दोपहर 12 तक है, इसके लिए धामों के कपाट 27 अक्टूबर को ही बंद किए जाएंगे। तो देखिए, मैंने तो फिलहाल आपको 26 डेट ठीक बताई थी अपने पहले वीडियो में, लेकिन अब 25 में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसकी वजह से पूरा का पूरा यहाँ मामला चेंज हो गया है। तो इस बार जो कपाट बंद हो रहे हैं भैया दूज को ही बंद हो के, लेकिन इनकी तिथि के अनुसार ये 27 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। बाकी देखिए, मैं आपको एक और वेबसाइट पे दिखा देता हूँ जिसपे इन्होंने तुंगनाथ का दे रखा है, यहाँ देखिए। वहीं दूसरी और द्वितीय केदार भगवान मठ महेश के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। इस बार मठ महेश्वर धाम के कपाट 18 नवम्बर को सुबह 8 बजे वर्षिक लगन में शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं पंच केदारों में
तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि भी आज घोषित की गई। इस बार भगवान तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को शुभ लग्नानुसार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो देखा आपने, सारा अपडेट आपको मिल चुका है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, बद्र महेश्वर और तुंगनाथ जी के कपाट की डेट आप लोगों के सामने है। अब आप बहुत ही आराम से इस साल की अपनी लास्ट यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं और इन धाम पे जा सकते हैं। बाकी देखिए, अभी आप तुंगनाथ जी भी जा सकते हैं, तुंगनाथ जी भी अच्छी जगह है। केदारनाथ जी तो देखिए 27 को बंद हो जाएंगे, लेकिन आप बद्रीनाथ जा सकते हैं, बद्र महेश्वर की भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा जो केदारनाथ धाम की क्लोजिंग डेट पता करना चाहते थे। हालांकि मैंने ये डेट पहले ही बता दी, लेकिन इस बार थोड़ा मुहूर्त के चक्कर में मामला आगे पीछे हो गया है। वैसे हर साल जो केदारनाथ जी कपाट है भाई दूज को ही बंद होते हैं, लेकिन पंडितों के अनुसार भाई दूज की जो डेट है वो 27 में भी है, तो इसलिए ये 27 को ही बंद कर रहे हैं। बाकी अगर आपको केदारनाथ से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 2023 में भी मैं आपको सबसे पहले कुछ ऐसे अपडेट दूंगा जिसका यूज करके आप बहुत ही आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।